नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऋत्विक रामी इंटरनेशनल से। आज हम एक अलग प्रोडक्ट लेके आए। आज का प्रोडक्ट है वैक्यूम पैकिंग मशीन। ये मशीन किस लिए उपयोग किया जाता है कि आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट है नट्स टाइप की, जैसे काजू हो गया, मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, इसको आपको पैक करना है। 1 किलो से लेके 20 किलो, 25 किलो तक के पैकेट में पैक करना है और ब्रिक्स बनाना है, तो ये मशीन का उपयोग होता है। ये मशीन काम कैसे करता है आज हम उसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे। तो प्रोसीजर देखने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले ये उसका एक चैम्बर है, वैक्यूम का चैम्बर है। तो चैम्बर को हम खोलेंगे तो यहाँ पे एक डाई दी जाती है, ये डाई रखने का जगह है। ये 20 किलो का डाई है, वैसे ही हमारे पास अलग एक डाई है 10 किलो का। एक 10 किलो का डाई है जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट लगा के रखना है, और ये उसका पॉलिथीन का बैग है। 10 किलो के डाई में लगाने के बाद ये मोल्ड को बाहर निकालना होता है। एक बार वो बाहर निकल जाए तो ये पूरा का पूरा जो डाई है ये बैग के साथ आपको ये चैम्बर पे लगाना है। तो ये किस तरह लगाया जाता है आप हमारे वीडियो पर देख सकते हो। ये उसका चैम्बर है, और ये जो उसका पॉलिथीन बैग है वो हमको यहाँ पे सीलिंग एरिया पे लगाना होता है। एक बार लगाने के बाद इसको हम चैम्बर को बंद कर देते हैं। चैम्बर बंद करने के बाद उसके जो भी टाइमिंग है वैक्यूम के, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अलग अलग टाइमिंग आप सेट कर सकते हो। टाइमिंग सेट करने के बाद ये उसका स्टार्ट बटन है, और ये सीलिंग टेम्परेचर है, यानी कि बैग पे जो पैक किया जाता है उसका टेम्परेचर प्लस माइनस करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद एक बार हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये मशीन वैक्यूम करना चालू कर देगा, और वो हमको दिखाएगा यहाँ से। ये अभी इसका वैक्यूम हो रहा है। वैक्यूम प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा ये अपने आप नाइट्रोजन फ्लशिंग कर देगा। इसमें नाइट्रोजन फ्लशिंग का भी सिस्टम है, और फ्लशिंग होने के बाद इसमें सीलिंग किया जाएगा। सीलिंग होने के बाद ये मशीन अपने आप कूलिंग कर देता है, और ये जो चैम्बर है वो अपने आप खुल जाती है। अभी ये वैक्यूम बाहर निकल रहा है, तो ये जब 0 पे आ जाएगा ये पूरा चैम्बर अपने आप खुल जाएगा, तो आप इसको खोल सकते हो। खोलने के बाद अभी आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये प्रोडक्ट एकदम ब्रिक की तरह बन चुका है। अभी हम आपको इसको बाहर निकाल के भी दिखाएंगे। अभी इसका आपको स्ट्रेंथ देखना, तो आप इसका स्ट्रेंथ भी देख सकते हो किस तरह ये पूरा एकदम ब्रिक बन चुका है। ये आप उसका स्ट्रेंथ देखो, या इसको आप खड़ा रख के भी अगर मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं तो एक पूरा ब्रिक बन चुका है। तो ये इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे ही अलग अलग साइज में आप बना सकते हो, 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो, ऐसे अलग अलग डाई पे आप कर सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमें जो नीचे नंबर दिया गया आपको, वो नंबर पे आप तुरंत फोन करें। हमारी टीम आपको सभी जानकारी ये रिलेटेड आपको बताएगी, कौन सी पॉलिथीन यूज करना है, कितने ग्राम तक से लेके कितने केजी तक आप इसके पैकेट बना सकते हैं। और ऐसे ही अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल है रामी इंटरनेशनल, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।